हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयरिंग मुंबई एज के। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो वेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है और सोसाइटी आपको क्या क्या कहती है और आपने कैसे टैकल करना है, सभी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली कुछ लेडीज़ का जो वेट है प्रेगनेंसी में उतना इंक्रीज नहीं हो पाता और समाज के लोग उन्हें क्या कहते हैं, डीमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि आप कमज़ोर हो, अगर आप कमज़ोर हो आपका बेबी कैसे ग्रो करेगा। मुझे कहते थे कि आप बहुत कमज़ोर हो, आप क्या पैदा करोगे, आपके बच्चे का वेट क्या होगा, ये सब कुछ मुझे कहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने बहुत ही अच्छी डाइट ली थी और मेरे बच्चे का वेट परफेक्ट था बर्थ के टाइम। कुछ लेडीज़ वर्किंग होती है, कुछ लेडीज़ को थोड़ा वर्क का स्ट्रेस रहता है, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, जिसके कारण उनका वेट जो है नहीं बढ़ता, जो कम हो जाता है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि असली रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि बच्चे का वेट तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही कम बढ़ता है लेकिन मदर का वेट क्यों नहीं बढ़ता। देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल है, फीटस बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है दैट टाइम पर और उसे बहुत ही कम न्यूट्रिशनल नीड्स होती है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा खाने का भी कुछ बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ये सही है कि अगर आप अच्छी डाइट लेंगे आपका एच बी अच्छा रहेगा सो वो आपकी पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी के सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वेट कितना चाहिए, आपका वेट कितना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। होप्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ अपनी डाइट और अपनी सेहत देखिए, किसी की बातों के पीछे मत लगिए और होप्स हो ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।